हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होइएगा। आप लोग को अपने इस ब्लॉग में स्वागत करते हैं। और आप लोग को एक बात बताना था। दरअसल क्या है कि अभी से लगभग 10 महीना या 8 महीना पहले हम एक ब्लॉग बनाए थे, जिसमें हम मुजफ्फरपुर में जो PW का ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे गए थे। ठीक है, तो मेरे हम वहाँ पे बताए थे कि आप लोग यहाँ पे नहीं आइएगा या फिर ये बहुत ही बेकार सेंटर है। मतलब मेरे कहने का मतलब जो है, आप लोग सेंस गलत से मत समझिएगा। देखिए, हम कहना ये चाह रहे थे उस ब्लॉग में, क्योंकि उस ब्लॉग से हमको बहुत ज़्यादा हेट भी मिल रहा था। बहुत लोग ऑफलाइन सॉरी कमेंट में बहुत सारा बात भी बोल रहे थे, लेकिन हम उस पर ज़्यादा एक्शन नहीं बताए, ज़्यादा कुछ बोले नहीं। लेकिन हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि भाई, हम मेरा ये बताने का मतलब नहीं था कि ये बहुत बेकार है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बिल्कुल जाइए, लेकिन मेरे कहने का जो मेन सेंस क्या था कि देखिए, आप ऑनलाइन में जो है ना, बहुत कम पैसे में, मतलब जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं वो लोग बहुत कम रुपए में बहुत ज़्यादा बेहतर फैकल्टी मिलता है पढ़ने के लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो लोग पढ़ाते हैं। जैसे कि आप अगर हम आप लोग को नीट का बात बताएं, क्योंकि हम भी नीट के लिए प्रेप कर रहे हैं, तो अगर हम आप लोग को नीट का बात बताएं, तो नीट में जैसे फिजिक्स पढ़ाने के लिए MR सर हैं, और MR सर से तो मतलब क्या ही बताएं, वो तो गजब के टीचर हैं भाई, उनके बारे में तो शब्द नहीं है मेरे पास। MR सर हैं, बॉटनी के लिए IUC अग्रवाल मैम है, जूलॉजी के लिए समाप्ति मैम है, केमिस्ट्री के लिए हर्ष सर हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पंकज सर हैं, इनऑर्गेनिक के लिए वंश जिंदल सर हैं, फिर और भी बहुत सारे बेहतरीन टीचर सर हैं, जैसे सतीश मिश्रा सर भी फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जो ऑफलाइन में आप लोग को शायद नहीं मिले, क्योंकि ऑफलाइन में देखिए होता क्या है कि कोई भी आ जाता है, और ऑफलाइन में क्या है कि आप लोग एक बार जब पैसा दे देते हो ना, तो पैसा देने के बाद आपको वापस रिफंड करने का मतलब बहुत ही ज़्यादा लफड़ा वाला बात हो जाता है। लफड़ाई में सब समझ रहे हैं, क्योंकि आप पैसा एक बार दे दोगे तो आप वापस नहीं ले सकते, ये वन टाइम पेमेंट होता है। और ऑनलाइन में भी वन टाइम पेमेंट हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है कि भाई आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। और दूसरा बात ये कि ऑनलाइन में जो भी टीचर आता है बहुत ही बेस्ट ही आता है, क्योंकि ऑनलाइन में एक बच्चा नहीं पढ़ता है, ऑनलाइन में लाखों की संख्या में बच्चा पढ़ता है। जाहिर सा बात है, अगर ऑनलाइन में एक भी बेकार टीचर है, या बेकार कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई अच्छा से नहीं पढ़ाता है, तो उसको बेशक सी बातें निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारा बच्चा होता है, और अगर बहुत सारा बच्चा का बैड रिस्पॉन्स आता है तो ये कंपनी के लिए अच्छा बात नहीं होता है। और इसीलिए इस बात का, जाहिर सी बात है, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि ऑनलाइन में कभी भी बेस्ट से बेस्ट टीचर ही आए, क्योंकि उससे जो है बहुत सारे बच्चे इन्फ्लुएंस होकर ऑफलाइन में जाते हैं, ऑनलाइन से इन्फ्लुएंस होकर ऑफलाइन में जाते हैं, ना कि ऑफलाइन से इन्फ्लुएंस होकर ऑनलाइन में आते हैं। क्योंकि लोग देखते हैं कि भाई ऑनलाइन में बहुत अच्छा पढ़ा है, तो ऑफलाइन में हमको और ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा, बैकलॉग का जो प्रॉब्लम होता है मेन सबके अंदर वो नहीं होगा, तो इसलिए लोग ऑफलाइन में जाता है। लेकिन अगर हम कहते हैं, अगर आप लोग पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मतलब आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, तो आप बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, तो भाई आप वहाँ पे जाके फालतू में वक्त ज़ाया कर रहे हो, और आप फालतू में कर्ज भी ले रहे हो। अगर आप पैसा को कर्ज के फॉर्म में लेते हो, उसके बाद आप ऑफलाइन में जाते हो, तो मेरा ख्याल से मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप बेहतर है कि आप ऑनलाइन में कर सकते हो। अगर ऑनलाइन में आप डिसिप्लिन के साथ करते हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग का अपना पर्सनल चॉइस है, अगर आप लोग ऐसा करना चाहो और लेना चाहते हो ऑफलाइन में, तो ले लो। हम भाई किसी को वो नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी ऑफलाइन सेंटर का तौहीन नहीं कर रहे हैं। मेरा तौहीन करने का कोई भी मकसद नहीं था उस ब्लॉग में। उस ब्लॉग में हम जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था वो बताएं कि भाई आपको, देखिए आपके पास पैसा है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग का अपना पर्सनल चॉइस है। तो एट द एंड ऑफ द डे हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग का अपना पर्सनल चॉइस है। अगर आप लोग जाना चाहते हो, आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो अफोर्ड करो, जाओ ले लो, जाके पढ़ो वहाँ पर। लेकिन मेरे सजेशन के हिसाब से आप ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, आप ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हो। खैर, इसी बात को क्लियर करना चाह रहे थे कि लोग कह रहे थे कि भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा कह रहे हो आप PW के बारे में, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कोई बात नहीं है, हम बुरा कुछ नहीं कहते हैं, मेरे कहने का मतलब का गलत सेंस ले लेते हैं लोग। खैर ठीक है, इस ब्लॉग लेते ही हम यही बात बताना चाहते थे। ठीक है, बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़। एक बात हम बताना ही भूल गए, ये जो है ये आप लोग देख सकते हैं, ये हम जब IUC का एग्ज़ाम लेके आ रहे थे BR रोड का, तो ये हमको मिला था। ठीक है, वहाँ का दिया था, वहाँ का से पूछ पूछ के दे रहा था कि कौन बच्चा है, मतलब जो बच्चा PW से ऑनलाइन में पहले पढ़ता है उसको हम लोग दे रहे हैं, ये हम लोग को दिया था, आप लोग देख ही सकते हैं। तो बुरा नहीं है, आप जा सकते हो विद्यापीठ पाठशाला सेंटर मुजफ्फरपुर में, समझ लो बुरा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोग को बैकलॉग का प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर जाओगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब अगर आप लोग के अंदर डिसिप्लिन है ना, तो आप ऐसे भी जा सकते हो, ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हो अच्छा से। खैर, इस ब्लॉग लेता ही, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़। थैंक्स।
लव यू। लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद बेटे नाचते हैं।